हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज आप सबके लिए फिर से मैं एक सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। और आज मेरे साथ है आरजे प्रिया, एंड ही इज रिसेंटली क्वालिफाइड सीएमए एंड ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब इन सीएमए कैंपस प्लेसमेंट इन आईटीसी फूड्स। सो आरजे प्रिया की स्टोरी सुनते हैं एंड आई होप कि आप इस स्टोरी को इंजॉय करोगे। लॉट्स ऑफ मोटिवेशन आपको मिलेगा एंड प्लस आपको अपनी कैरियर जर्नी प्लान करने के बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले। सो हाय आरजे, हाउ आर यू? Yeah, fine. Thank you, Bhaiya. Thank you for giving this opportunity, and thank you for your throughout guidance during the campus. Because you are one of the reason that we are selected, and all of us those who are choose you as a mentor, they all get selected because of your help and your guidance also. So thank you. Thanks. So RJ, we start. करते हैं उन like वो जो time past में जा चुका है उसके बारे में थोड़ा सा basics है। like आपने जब class 10, 12 qualify किया तो उस समय आप like academy कैसे थे? आप strong थे या weak थे या किस type का आपका nature था पढ़ाई को लेके? So start करते हैं class 10 से। like class 10 में मेरा percentage अच्छा ही था। तो मेरा background actually ऐसा है कि मैं थोड़ा business family background से belong करता हूँ। तो वहाँ पे है कि करना है अच्छा ही करना है, बट लाइक हाँ वहाँ पे भी है कि आपको खुद से डिसाइड करने का मौका मिलता है। लाइक हम लोगों का ऐसा था फ्रीडम, थोड़ा लिबर्टी था कि हम लोग डिसाइड कर सकते। तो मेरा क्लास 10 में भी वैसा ही था क्योंकि मेरा परसेंटेज अच्छा था। लाइक मेरा 90% या आसपास मार्क्स था। तो मेरे फैमिली ने सभी लोग बोला था कि ठीक है तुम साइंस में जाओ, साइंस में अच्छा रहेगा क्योंकि साइंस में स्कोप भी ज़्यादा है। बट मेरा था कि नहीं, मुझे साइंस में नहीं जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मेरा अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा उतना इंटेंशन नहीं था पेरेंट्स का भी, फैमिली का भी, कि साइंस में जाना चाहिए क्यों कॉमर्स ले रहा है। क्योंकि सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहता ही है कि नहीं 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 अगर स्टूडेंट अच्छा है तो अगर कोर अच्छा है तो उसमें श्योर शॉट साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स में नहीं जाना चाहिए। बट मेरा था कि नहीं मुझे कॉमर्स में जाना है। तो पहले वो रीजन की वजह से थोड़ा मेरा था वहाँ पे थोड़ा सा था कि हाँ मैंने खुद डिसाइड किया हूँ। तो वहाँ पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से आ जाता है इंसान के पास कि अगर वो खुद से डिसाइड करता है कि उसको साइंस में जाना नहीं है, उसको कॉमर्स में जाना है, तो उसमें लगता है ना इंसान को कि अब तो मेरे को प्रूफ भी करना है, लाइक फैमिली को भी प्रूफ करके दिखाना है। तो वहाँ पे वो एक रीजन था। उसके बाद मैंने प्रूफ किया कहीं हद तक क्योंकि मेरा प्लस टू में जब रिजल्ट आया था तो मैंने 11 में भी प्लस एंड 12 में भी मेरा हाईएस्ट मार्क्स था स्कूल में। तो साइंस और कॉमर्स में मेरा हाईएस्ट मार्क्स था। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा करियर वाइज अगर हम मैं बोलूँ उसके बाद वो तो बाद में आएगा, बट एकेडमिकली मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था। लाइक मेरा मार्क्स भी बहुत अच्छा था, प्लस मेरा कंसेंट्रेशन इस मामले में बहुत हाई था क्योंकि मुझे था कि हाँ, क्योंकि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से वो दिमाग में था कि मैंने चूज किया है तो मेरे को वो जस्टिफाई करना है, नहीं तो बाद में वो मेरे को काउंटर हो सकता है कि तुमने खुद चूज किया है, अब तुम देखो क्या कर रहे हो। तो मुझे वो काउंटर से झेलना नहीं था। तो मेरे लिए वो एक अलग से बर्डन था कि मैंने चूज किया है तो मुझे उसका आंसर देना है और वो आंसर मैं इसी रिजल्ट के जरिए ही दे सकता हूँ। तो वैसा मेरा था। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे कि प्लस टू के बाद सब लोग के पास रहता है कि क्या करना है आगे, फिर ऑनर्स करना है कि सीए करना है कि सीएमए करना है। तो मैंने देखा कि कैरिकुलम वाइज वो सीएमए स्पेसिफिक जो मेरा ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, जो मेरा नेचर है उसके एंगल से वो सीएमए थोड़ा फिट बैठ रहा है क्योंकि वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। लाइक वहाँ पे सीए का जैसे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अकाउंट्स में ज्यादा फोकस रहता है और सीएमए का स्पेसिफिकली कॉस्ट में ज्यादा फोकस रहता है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ सीए एंड सीएमए का डिफरेंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया है। तो इसके साथ साथ मैं इंटरव्यू का भी कुछ कुछ टॉपिक जो एक एट ए ग्लैंस समझ में आ जाएगा लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमको रेडी रहना चाहिए सभी के क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो वो कॉन्टिन्यूसली वो लोग भी पूछते हैं कभी कभी कि आप क्यों सीए नहीं किए, आप क्यों सीएमए किए, टू चेक कि आप कैसे आंसर दे रहे हो उसका। तो वो भी एक रीजन था। तो मैंने उसके लिए सीएमए चूज किया यहाँ पे। उसके बाद क्या जून 19 मेरा था सीएमए, जून 19 फाउंडेशन मेरा अटेम्प्ट था। तो उसमें चार पेपर होता है तो मैंने भी वैसे ही नॉर्मली प्रिपरेशन किया, मैंने कोचिंग दिया। एक क्वेश्चन, लाइक फाउंडेशन आपने अपने होम टाउन से किया था या फिर आप उसके लिए एक्चुअली कॉल कर? कोलकाता है, हाँ कोलकाता है, कोलकाता है, कोलकाता ही मेरा सब कुछ कोलकाता से स्टार्ट है। तो कोलकाता में मैंने फाउंडेशन भी यहाँ से कोचिंग लिया, देन फाउंडेशन में जून 19 में मैं अपियर किया था फाउंडेशन के लिए। तो आई गॉट 338 आउट ऑफ 400, तो फाउंडेशन उसमें भी अच्छे मार्क्स था। तो फाउंडेशन में भी अच्छा ही मार्क्स था क्योंकि सभी पेपर में मोर देन 80 मार्क्स था मेरा फाउंडेशन अच्छा, में। यहाँ पे एक क्वेश्चन उसके है, बाद लाइक जैसे कि होता है क्या कि हम एकेडमिक की स्टडी अलग तरीके से होती है और जब आप प्रोफेशनल कोर्स में आते हो तो स्टडी थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट? तो फाउंडेशन में कुछ स्टडी के टाइम में कुछ चैलेंजेज या क्वेश्चंस हाँ आते थे फाउंडेशन माइंड में में? हम लोग का था कि हम
हाँ, तो वो एक पक्का बात है कि हम लोग एकेडमिक्स की जब स्टडी करते हैं तब अलग से पढ़ते हैं। लाइक हम लोग हम लोग प्लस टू में पढ़ते थे बीएसटी वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह, तो बहुत लोग एक दो महीने पढ़ करके पहले भी एग्जाम दे के पास हो जाता। बट फाउंडेशन हो या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो, उसमें थोड़ा बहुत आपको स्टडी फॉलो करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज भी, क्योंकि हम लोगों का टाइम वो रिटन होता था। बीच में तो फिर ऑनलाइन हो गया था फाउंडेशन, बट हम लोग का टाइम रिटन होता था एंड पेन पेपर में होता था। लाइक हम लोग का पूरा ही 100 मार्क्स का एक एक पेपर होता था, जहाँ पे हम लोगों को पूरा लिखना पड़ता था, कोई एमसीक्यू भी नहीं था। अभी तो एमसीक्यू भी आ गया है लाइक पूरा, तो हम लोग के टाइम तो वो फाउंडेशन तो पूरा पेन पेपर में था। तो वहाँ पे स्टडीज यही रहता था कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप कैसे लिख पा रहे हो। लाइक प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो उसमें प्रेजेंटेशन मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू ऑल्सो वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है कि आप अगर आंसर बोल भी नहीं पा रहे हो तो आप कैसे उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो साथ साथ वो दोनों एक साथ कवर हो जाता है। तो जैसे हम लोग एग्जाम भी देते हैं तो वहाँ पर पेन पेपर हम लोग में यूज करके एग्जाम का आंसर देते हैं, तो वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है कि हाउ यू प्रेजेंट द आंसर। तो उसमें सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ इसके पास नॉलेज है कि नहीं है, और यार ये गोल गोल घुमा रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बहुत लोग वैसे ही कुछ कुछ स्क्रैप लिखते हैं तो उसको मार्क्स नहीं मिलता है। बट हाँ हम देखे भी ऐसा कि बहुत लोग अननेसेसरी कुछ टच करते हैं, जो पूरा पॉइंट है उसको टच करो, जो पूरा पॉइंट उसका आंसर लिखो, मुझे लगता है मार्क्स मिल जाएगा। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैंने जैसे फाउंडेशन में भी एक एक पेपर का मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करके देन एग्जाम दिया था, तो मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छा ही मिला था। लाइक हर एक पेपर में 80 मोर देन 80 मार्क्स मिला था, क्योंकि टोटल मेरा 330, ये मुझे याद है। तो अभी स्पेसिफिकली मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं बोल पाऊंगा, उतना मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, पर टोटल मुझे याद है 338 था मेरा। तो देन मैंने आफ्टर जैसे इंटरमीडिएट आप बोथ ग्रुप के लिए गए थे, राइट? सो बोथ ग्रुप, और कितने ड्यूरेशन में आपका प्लान था कि आपको बोथ ग्रुप का पेपर अटेम्प्ट करना है? तो लाइक मेरा प्लान था कि मैंने जून 19 में जैसे फाउंडेशन का कंप्लीट कर ठीक लिया, है, तो इंटर मेरा था जून 20 में ड्यू। तो मुझे था कि ठीक है 1 साल लगेगा लगेगा, जून 20 में मुझे दोनों ग्रुप ही देना है, पर दोनों ग्रुप ही देना है। उस टाइम पे मेरा था कि हाँ क्लासेस भी मैंने उसी हिसाब से लिया था कि मेरा क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ एंड मैं दोनों ग्रुप जून 20 में दूंगा। बट दोनों ग्रुप जब जून 20 में देने का, तो सभी को पता है कि कोविड की वजह से वो टर्म ही डिफर हो गया, टर्म हुआ ही नहीं था, मतलब एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ। लाइक एग्जाम पूरा एकदम शिफ्ट होके दिसंबर में मर्ज हो गया था, तो राइट। फिर हम लोग को और 6 महीने का एक्स्ट्रा मिला। तो वो कभी लोगों के लिए अच्छा भी है, कभी लोगों के लिए बुरा भी है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप कितना डिसिप्लिन रह के पढ़ रहे हो वो भी मैटर कर रहा है। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा भी है उस टाइम पे पढ़ाई ही छोड़ दिया था, इसलिए उन लोगों का हुआ भी नहीं था उस टाइम पे। ऑनलाइन हुआ था वो अलग रीजन है, बट ऑनलाइन के बाद भी बहुत लोगों का वहाँ पे पास आउट नहीं हुआ था। वैसे भी उस टाइम में पासिंग परसेंटेज बहुत हाई हुआ था दिसंबर 20 में। बस जैसे इस बार जून 23 का अगर पासिंग परसेंटेज देखा जाए सबसे लो है अभी तक के जितने भी एग्जाम हुआ है, बट दिसंबर 20 भी ऐसा टर्म था जहाँ पे सबसे हाई पासिंग परसेंटेज था। बट फिर भी बहुत लोग मेरा जान पहचान का था जिन लोगों का नहीं हुआ था, क्योंकि वो 6 महीने का टर्म डिफर होने के बाद से बहुत लोग घर में भी चले इजी हो गए गए थे, थे, उसमें भी कोई टाइम हाँ इजी हो गए लगता थे, है। और उसमें वो डिसिप्लिन भी नहीं रहता था कि हाँ चलो पढ़ना है टाइम टेबल बना के। तो वो डिसिप्लिन कितना मेंटेन करना पर मतलब चाहिए, वो भी एक मैटर करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि डिसिप्लिन मुझे लगता है सभी में चाहिए। लाइक आप कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे डिसिप्लिन भी जरूरी है, नहीं तो आप वहाँ पे उसको परसिवियरेंस के साथ साथ उसको वो वाला पॉइंट भी नहीं आएगा कि आप हाँ उसको स्ट्रेच कर पा रहे हो, नहीं स्ट्रेच नहीं होगा वो चीज़ है। तो वो डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है कि अगर आप घर में भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो आप कितना टाइम अपना डिवोट कर रहे हो पढ़ाई में या फिर कुछ भी काम में, वो मैटर करता है। तो लाइक मैंने वही मुझे 1.5 साल मिल गया था वहाँ पे लकीली, क्योंकि हम तो बोलेंगे कि वो अच्छा ही था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए अच्छा, वो एक फायदा था कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों ये है, लाइक कि आपने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी इंटरमीडिएट की, या कुछ सब्जेक्ट थे जिसको आपने बाय सेल्फ भी किया था? इंटरमीडिएट में लाइक मेरा कुछ कुछ पेपर था। लाइक जैसे OMSN OM में जैसे मेरा पहले क्लासेस लिया हुआ था, बट बिकॉज ऑफ दैट सम रीजन कि वो मेरा वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं हो पाया था, तो मैंने बाद में खुद से वो सेल्फ स्टडी करके निकाला था। तो OMSN हो गया, और इसमें भी और ऑडिट में भी ऑडिट का भी कुछ पोर्शन मैंने सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट किया था। तो बाकी मेरा इंटर में पूरा क्लासेस लिया हुआ था। मतलब इंटर में ऐसा था कि मुझे GST भी नया था हम लोग के टाइम, तो उसमें मुझे कोई नॉलेज नहीं था, तो GST का भी मैंने पूरा क्लासेस लिया था, डायरेक्ट टैक्स का भी मैंने पूरा क्लासेस लिया था, एंड बाकी जितने भी पेपर है अकाउंट कॉस्ट FM इसका भी मैंने क्लासेस लेके मतलब कंप्लीट किया था। तो वही कोलकाता में तो क्लासेस लाइक आप एक एक टीचर के पास दो तीन क्लासेस मिल जाता है, लाइक ऐसा अवेलेबिलिटी रहता है यहाँ पे। तो मैंने वैसे ही उसके एंगल से मैंने क्लासेस वैसे ऑप्ट किया था कि हाँ कहाँ पे अच्छा है उसके एंगल से क्लासेस लेना चाहिए, तो वही मैंने किया था इंटर के लिए। तो इंटर में मैंने क्लासेस लेके किया था एंड मैंने दोनों ग्रुप एक साथ ही क्लियर किया था। लाइक मेरा स्कोर था 629 आउट ऑफ 800,
ऑटो वो पे। मेरा इंटर का रिजल्ट था तो इसमें एक क्वेश्चन है कि लाइक जो 8 डेज कंटिन्यू पेपर होते हैं, तो फर्स्ट डे और लास्ट डे जो होता है, लाइक कि लास्ट डे वाले पेपर आपने पिछले 8 दिन से नहीं पढ़ा है, और फिर आपको पेपर देना भी और रिवीजन करने के लिए भी टाइम नहीं होता, राइट? 8 से 10 घंटे में आपको इंटायर सब्जेक्ट को रिवाइज करना होता है, तो ये सिचुएशन बोथ ग्रुप में आपने कैसे हैंडल किया? हाँ, तो लाइक वो आई थिंक एग्जाम के पहले कैसे पढ़ना उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। लाइक आपको कौन सा टॉपिक देख के जाना चाहिए। हम लोग के 8 दिन में अगर हम रफली बोले तो मे बी 7 to 8 hours का आपका आउटपुट निकल के आएगा प्रोडक्टिव, अगर हम बोले तो। क्योंकि वहाँ पे आपको अगर जब ऑफलाइन हो तो पूरा आने जाने में टाइम लग जाएगा, जितना भी नजदीक हो 1 घंटा तो लग ही जाता है। वो अगर उसको भी आप एक्सक्लूड कर दे रहे हो फिर भी आप आके भी आप संग संग अगर स्टार्ट कर वहाँ पे उतना प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आएगा, आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। लाइक माइंड वैसा नहीं है कि मशीन की तरह एकदम हाई प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपको टाइम चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। लाइक मैंने क्या किया था, मैंने फाइनल में भी वही ट्रैक स्ट्रेटेजी अपनाया था कि मेरा हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक का एक कंसेप्ट वाइज नोट रहता था। लाइक समरी नोट हम लोग जिसको बोलते हैं, बट समरी नोट में क्या करते हैं लोग सब कुछ लिख लेते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कंसेप्ट लिखा होना चाहिए, मतलब लाइक आप पूरा ही लिख रहे हो तो उसका क्या मतलब हुआ, तब तो आप पूरा ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कॉपी पेस्ट उस एंगल से नहीं करना है, आपको पूरा समराइज नोट बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉस्ट का बात करूँ, मेटेरियल कॉस्ट हो गया, मेटेरियल कॉस्ट में बहुत सारा फॉर्मूला भी है, ये क्यों का फॉर्मूला लिख लो काम बन जाएगा। बट अगर आप मेटेरियल कॉस्ट का पूरा डिटेल्स लिख रहे हो, कैसे कंपटीशन होता है उसका भी तुम पूरा डिटेल लिख के रख रहे हो, तो उसमें तो पेज भी आपका बल्क हो जाएगा, तो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। लाइक स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि हर चैप्टर का हर टॉपिक का एक एक आप समरी नोट A4 पेज में प्रिपेयर करके रख लो, सो दैट आप एग्जाम के जब 7-8 घंटा मिलेगा टाइम उसमें आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। क्योंकि आप तब उसको देखोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कंसेप्ट, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो। वहाँ पे प्रैक्टिस भी मैटर करता है। लाइक अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया हो तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तब सबको पूरा ही पढ़ना होगा। और जब आप पूरा अपना टाइम उसमें डिवोट कर दोगे पढ़ने में तो आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे सिलेबस। और हम लोग के जो एग्जाम होता है उसमें कंजिक्यूटिव डेज में एग्जाम होता है। लाइक हम लोग ऐसा नहीं है कि आज ये कर लिया और कल एक दिन गैप है तो उसके बाद वो कर लेंगे, आपको 8 दिन ही पेपर देना है। तो 8 दिन अगर पेपर देना है तो मेंटली भी बहुत आपको थोड़ा बहुत ट्रबल भी झेलना पड़ता है, मतलब क्योंकि लास्ट डे में आते आते आपका कुछ एनर्जी बचता नहीं, मतलब आपका पास जो भी रहता है वो खत्म हो जाता है एनर्जी। तो लास्ट डे में तो ऐसा ही हो जाता है कि वो एक थोड़ा बहुत मोनोटोनस भी हो जाता है, बोर भी लगता है इंसान को, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान ही है, कोई कोई अलग है नहीं कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो वो बोर भी हो जाता है इंसान। बट हाँ, क्योंकि वो पेपर वगैरह प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो कि आपने पूरा समरी नोट प्रॉपर बनाया, प्रॉपर अपने एकदम कंसेप्ट का पूरा फ्रेमवर्क निकाल के रखा, तो उससे क्या फायदा होगा, आपको एड ऑन मिलेगा कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आप पूरा कवर कर लोगे, अगर आपके पास वो प्रिपरेशन रहेगा तो वो भी एक पॉइंट इस रहना तरीके चाहिए। से मतलब आपने लाइक मैनेज किया समरी अपना नोट बोथ बहुत ग्रुप, इंपॉर्टेंट या तो फाइनली है आपने बोथ ग्रुप इंटर में। कंप्लीट किया, या देन कम टू द फाइनल। सो फाइनल से पहले आपके इंटर्नशिप भी थी, राइट? तो आपने इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्रोच किया, एंड लाइक मतलब इन डिटेल एक्सपोजर में हम गो नहीं करेंगे एंड नहीं जाएंगे, बट हाँ जस्ट इन शॉर्ट की लाइक आपके अकॉर्डिंग फॉर्म में जाना बेटर रहता है या फिर कॉर्पोरेट में जाना बेटर रहता है, क्या बेस्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से आप बताओ। तो मेरा मेरा मानना यही है कि आप अगर आपको पीएसयू मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, बट वो मिलने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है। लाइक पीएसयू का उतना ज्यादा अवेलेबिलिटी मिलता नहीं है। हाँ, मेट्रो सिटी में मिल जाता है, बट फिर भी वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि पीएसयू का वैकेंसी आएगा तब जाके आपको मौका मिलेगा, तब जाके आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंपनी अगर मिल रहा है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप फॉर्म में भी कर सकते हो अगर फॉर्म में वैसे एक्सपोजर मिल रहा है तो। क्योंकि मैक्सिमम तो फॉर्म सीए का फॉर्म होता है, सीए का फॉर्म में अगर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है तो वो भी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, वहाँ पे देखना होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है कि नहीं। और अल्टीमेटली आपको देखना है कि आपका क्या स्कोप ऑफ वर्क मिल रहा है वहाँ पे और वो आप करना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि इंसान को जो चाहिए होता है वो मिलता नहीं है। लाइक वहाँ पे अगर आपको GST या DT ऐसा कुछ स्पेसिफिक काम मिल रहा है तो फॉर्म से बेहतर है कि आप कंपनी में कर लो, क्योंकि फॉर्म में तो नॉर्मल इंसान इसलिए करते हैं कि वहाँ पे एक्सपोजर सबसे ज्यादा होता है, एक्सपोजर आपको सभी जगह मिल जाता है, मतलब सभी अवार्ड्स में आपको टाइम मिल देना पड़ता है फॉर्म वगैरह में, तो आपका वॉक ऑफ एक्सपोजर भी बहुत होराइजन बहुत ब्रॉडर वर्जन हो जाता है, तो भी एक मैटर करता है फॉर्म के एंगल से अगर देखा जाए। कंपनी में तो जाएंगे तो आपको स्पेसिफिक डिवीजन ही मिलेगा। लाइक जैसे मेरा था, मैंने हार्डवेयर एडवाइजरी में किया था एज अ सीएमए इंटर्न, तो मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट ही था, तो मुझे वहाँ पे अकाउंट का ही काम मिला था। लाइक मुझे वहाँ पे अकाउंट का जो अच्छा बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो वो सब मुझे मिला था काम सीखने का, लाइक नेटसूट, ओरेकल, क्विक बुक ऑनलाइन, जीरो,
तो ये सब सॉफ्टवेयर मुझे काम करने का वहां पे स्कोप मिला था, तो वो मेरा अकाउंट डिवीजन था। वैसे ही सीएसयू में भी वही है, सीएसयू में भी आपको पूरा वर्क नहीं मिलेगा, पूरा स्कोप नहीं मिलेगा कि हाँ आपने इसमें भी अकाउंट्स में काम कर लिया, आपका जीएसटी भी काम हो गया, आपको भी स्पेसिफिक डिवीजन ही मिलेगा। तो वो पहले से आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि आप किसके एंगल से, आप किस सोच के हिसाब से आप सोच रहे हो कि मुझे पीएसयू जाना चाहिए, मुझे फॉर्म में जाना चाहिए, या फिर मुझे कंपनी या कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करता है कैंपसिंग के टाइम। क्योंकि कैंपसिंग के टाइम को आप अगर ये सब बोलेंगे कि हाँ मेरा को मिला नहीं था इस समय चला गया था, तो वो एक बहुत फेक जैसा लगता है। तो आपको भी वहाँ पे एक पोटेंशियल आंसर भी देना चाहिए कि हाँ सामने वाले को लगे कि हाँ आपने क्यों किया था, लाइक आपने क्यों काम किया था, क्योंकि वहाँ पे ये वाला पॉइंट आता ही है, पूछता ही है जो इंटरव्यू रहता है, तो भी एक यहाँ पे ओके पॉइंट है। तो मेरे एंगल से देखा जाए तो वो मैन टू मैन भी डिपेंड करता है कि कौन क्या चाह रहा है। अगर कोई चाह रहा है कि मुझे पीएसयू जाना है, तो वो पीएसयू को लेकर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे ऑब्वियसली उसको ब्रांड मिलेगा, रिकग्निशन अलग से मिलता ही है पीएसयू में अगर ओके आपने ओके इंटर्नशिप किया है। तो ये तो फैक्ट है, तो ये तो आप ये तो मानना ही है, तो ये सो भी देन पॉइंट है। आपने आपने इंटर्नशिप के साथ, लाइक आपने एक ग्रुप के साथ गए थे या फिर आप बोथ ग्रुप के आप स्टडी कर रहे थे? तो इंटर्नशिप के टाइम जैसे मेरा 8 to 9 आवर्स का वो टाइम रहता था, सॉरी मेरा टाइम शेड्यूल रहता था कंपनी के लिए, एंड बाकी टाइम जो भी मिलता था मेरे अपने स्टडीज में दिया था, लाइक जो भी मिलता था 3 to 4 आवर्स, 5, 4 to 5 आवर्स, डिपेंड करता था। क्योंकि ऐसा नहीं था जरूरी कि हर दिन आपका सेम आवर ऑफ वर्क फुल निकल के आए, आपका कभी कभी कम भी हो सकता है, कभी कभी बेसी भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करते हैं कि कैसा वर्क प्रेशर है, कैसा काम आप कर रहे हो, कैसा कितना आप एफर्ट डाल रहे हो, उसमें भी वो मैटर करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको डेली 6, 7, 8, 9 मेंटेन ही करना है, बट हाँ एक साथ कि आपको कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। आप अगर एक एक क्लास कर रहे हो, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने पहले ग्रुप 4 के लिए प्रिपरेशन किया था, और ग्रुप 4 में भी मैंने सीएफआर का क्लासेस लिया था, बाकी मैंने क्लासेस नहीं लिया था, बाकी मैंने सेल्फ स्टडी किया था। फाइनल में मैंने 3 पेपर का सेल्फ स्टडी किया था, जैसे कि XPMVB हो गया, कॉस्ट ऑडिट एंड जीएसटी, क्योंकि जीएसटी मेरा इंटर में बहुत सॉलिड था, क्योंकि ये मुझे लगा था कि मैं कर लूंगा मैनेज, क्योंकि फाइनल और इंटर के जीएसटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट जो एडवांस पोर्शन रहता है, एडवांस के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। बट अभी टचवुड यूट्यूब की वजह से सब कुछ अवेलेबल है, लाइक यूट्यूब में अगर आप सच में कोई अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो तो मिल जाता है कोई भी टीचर का, तो वो मैंने यूट्यूब से कर लिया था। तो वो उसके एंगल से देखा जाए तो वो 3 to 4 आवर्स मेरा कंसिस्टेंसी रहता था थ्रू आउट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप खत्म होते होते मेरा ग्रुप 4 भी कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने अलग से ग्रुप 3 को टाइम दिया था 6 मंथ, तो 6 मंथ में मैंने क्लासेस लिया था, ग्रुप 3 में मैंने सभी का क्लासेस दिया था, क्योंकि था मेरा कि मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए, प्लस मेरे को 6 महीना मिल रहा है तो मैं अच्छे से उसको फुलफिल करूँ, मेरा ऑब्जेक्ट भी फुलफिल हो, क्योंकि मैंने अलग से टाइम निकाला है 6 महीना, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इससे मैंने 6 महीने के लिए पूरा डेडिकेटेड क्लासेस दिया था एक एक टीचर का, जितना भी पेपर है ग्रुप 3 का। तो ग्रुप 3 में मेरा इसलिए अगर देखा जाए ग्रुप 4 का मार्क्स और ग्रुप 3 का मार्क्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फिर भी मेरा ग्रुप 3 ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली लोगों का ग्रुप 3 कम रहता है, ग्रुप 4 ज्यादा रहता है, बट मेरा था ग्रुप 3 ज्यादा, ग्रुप 4 कम, क्योंकि ग्रुप 4 में मेरा था कि वो इंटर्नशिप के साथ साथ मैंने किया था, उस पर तो सेल्फ स्टडी भी किया था, तो वो भी एक रीजन था, इसलिए मैंने ऐसे करके मैनेज करके एग्जाम क्लियर किया था दोनों ग्रुप का ही, ग्रुप 3 एंड ग्रुप। ओके, सो फाइनल में आपका फिर कितना एग्जैक्ट परसेंटेज कुछ आसपास आया? मेरा मेरा आया था टोटल अगर देखा जाए तो वो मेरा है 459 out of 800, दैट इज 57.375%। ग्रुप 3 में मेरा एग्रीगेटेड 232 एंड ग्रुप 4 में 227, तो ओके, इन टोटल मेरा 459 है फाइनल ग्रेट। में। सो आफ्टर इट फिर कैंपस का टाइम आता है, तो आपने कैंपस का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया और आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, या फिर आपने मुझे क्यों ज्वाइन किया? ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं चाहता हूँ कि आप दो। तो कैंपस के लिए मैंने एक्चुअली क्या किया था, एक्चुअली जैसे ही सब लोग रिजल्ट आया उसके बाद वहाँ पे फॉर्म रहता है तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा यूट्यूब देखा, थोड़ा सोशल मीडिया भी देखा, बट मैंने समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड है शांभवी कुमारी, उसने मुझे रेफर किया कि आपके पास ही लेना चाहिए, तो मैंने उसी के रीजन की वजह से आपके पास एनरोल कराया, कि उसने मुझे बोला कि नहीं भैया सही होगा, क्योंकि मैंने देखा है, लाइक मैं शायद आपके साथ कोई और भी कुछ देखा होगा, कोई प्रोग्राम आपके साथ मतलब आपके पास किया होगा या फिर ऐसा कुछ है, तो वो मुझे बोला कि तुम्हें यहीं पे रहना करना चाहिए, यहाँ पे भैया बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। तो नॉर्मली मैंने इसके बाद एनरोल कराया, मतलब मेरे लिए इंफॉर्मेशन था कि कन्फर्म अगर कोई ऐसा कोई बोला था तो वो मेरी दोस्त की है संभवी कुमारी, जो मुझे रेफर किया था, तो उसी के थ्रू मुझे पता चला कि ठीक है आप भी कैंपसिंग के लिए अलग से पूरा कोर्स लॉन्च किए हो, तो वहाँ पे पूरा डेडिकेटेडली आप वहाँ पे सबको ट्रेन करते हो,
और देन मैंने एनरोल कराया, और एनरोल कराने के बाद पता चल ही गया कि क्या आप कैसे कंटेंट डिलीवर करते हो, कैसे आप गाइड करते हो थ्रू आउट द कैंपस, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही बाद में, बट हाँ मुझे पता उसी के थ्रू चला था। ओके ग्रेट ग्रेट। सो तो एक इंटायर जर्नी वहां से टिल कैंपस सिलेक्शन आपको कैसा लगा? हाँ, तो एक्चुअली मेरा था कि मुझे कोई ऐसा मेंटोर चाहिए था लाइक यू, कि जो मुझे गाइड कर दे कि देखो ऐसा ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो जाके आप अच्छा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो जैसे ही मैंने आपका ज्वाइन किया था, 28 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था, मुझे याद भी है डेट, 28 सितंबर फर्स्ट डे भी था आपका, क्या मतलब लाइक जो पोस्ट था आपका, तो राइट उसमें मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया था। तो टिल 20 नवंबर, लाइक 2 मंथ्स का बीच में जो हम लोगों का था ड्यूरेशन, क्योंकि हम लोगों का कोलकाता कैंपस सबसे लास्ट में कैंपस नहीं सही हुआ, तो 2 महीने का हम लोगों को टाइम मिला था, लाइक हम लोगों को टाइम सबसे ज्यादा मिला है कोलकाता कैंपस लोगों को। तो उस एंगल से देखा जाए तो जैसे जैसे आपने डेली बेसिस में, जैसे आपने अपने ऐप में पूरा प्रॉपर एकदम पीडीएफ नोट हर सब्जेक्ट वाइज, अकाउंट का अलग से, फाइनेंस का अलग से, इंडेक्स का अलग से, ऊपर से आप कंपनी का भी इंडिविजुअली फाइल बनाए थे, लाइक आईटीसी का कैसा क्या क्वेश्चन आता है वो भी कर लो, लाइक आपको जैसे जैसे शॉर्टलिस्टिंग मिलेगा वो आपके ऐप में जाएगा, तो डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो भी मैंने किया था। मतलब मेरा था कि मुझे कंटेंट पूरा कवर करना है, तो आपका कुछ कुछ बुक्स है जैसे कि रॉ केयर इंटरव्यू बुक है, वो मैंने पहले दिन आपको बोला था, क्योंकि मैंने शायद वो 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर दिया था, तो मैंने पहले टाइम ही आपको बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि पूरा गाइडलाइन था कि आपको इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है, कैसा एटिकेट फॉलो करना है, कैसे बात करना है, वो सब बहुत हेल्प था, मतलब बहुत हेल्पफुल मुझे पर्सनली भी हुआ, क्योंकि मुझे पहले से वो सब पता चल गया था कि अच्छा आपको ऐसे ऐसे बिहेव करना है, ऐसे ऐसे आपको वहाँ पे मेंटेन करना है, आपका एटिकेट भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वालों को लगे कि आप प्रॉपर एकदम जेन्युइनली आप चाहते हो भी हो कि आपका इंटरव्यू हो जाए अच्छे से एंड आप सिलेक्शन भी आपका हो जाए, तो वो बहुत हेल्प किया था। एंड और भी कुछ कुछ था जैसे कि आपने वो भी बना दिया था, लाइक जीएसटी का क्वेश्चन आंसर, कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन आंसर, तो ये सब ने आपने पूरा कंप्लीट किया था प्रॉपर एकदम क्वेश्चन आंसर वाइज, मतलब जीएसटी का ये क्वेश्चन है, आईडीटी का ये क्वेश्चन आएगा, डीटी का ये क्वेश्चन आएगा, अलग से आपने बजट बजट का भी पीडीएफ दिया था, तो वो भी मैंने रीड किया था। मतलब लाइक आप भी अगर अपने सिस्टम में देखेंगे तो मैंने कंटेंट में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया गया था, मतलब राइट कंटेंट राइट। वाइज अगर देखा मैंने जाए हर एक तो कंटेंट पे तुम्हारा इसमें। बहुत सारे हाँ कमेंट्स भी पढ़ा था, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कोई इतना हाँ डीपली कंटेंट को पढ़ रहा है। हाँ कंटेंट मैंने, और ऐसा था कि मेरा वो सब कंटेंट ऑलमोस्ट 1 महीना पहले खत्म हो गया था, और आपका जो डेली बेसिस में जीडी सेशन होता था पहले पहले, वो मैं हर टाइम टाइम टेबल एकदम प्रॉपर फॉलो करता था, लाइक जब पूरा सब लोग रहते थे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता कैंपस, चारों कैंपस के लोग, जब हम लोग जब प्रैक्टिस भी करते थे, उससे मुझे पता चला कि जीडी का भी कैसे आप लोगों को लाइक परफॉर्म करना चाहिए, कैसे आपको जीडी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें भी कैसे आपको बोलना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अच्छे बोलते हो तो जीडी में भी आप अच्छा ही कर लोगे, तो वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ एटिकेट्स भी है, कुछ कुछ आपको वहाँ पे फॉलो भी करना पड़ता है डिसिप्लिन, कि हाँ सभी को मौका भी देना चाहिए, तो कुछ कुछ वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी झलकता है कि आप अगर सभी को मौका दे रहे हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो, तो ये सब चीज भी बहुत मैटर किया, क्योंकि उस सब में सीखने को मिलता है लोगों को कि हाँ आपने प्रॉपर एक तरीके से ट्रेन किया सभी को, ये तो मैं बोलूंगा ही, क्योंकि लाइक हम लोग पहले से अगर नहीं करते तो मुझे वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता नहीं होता कि अच्छा ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, तो आपकी वजह से वो हेल्प हुआ कि आपने क्या किया था एक रोड मैप बना दिया था, अब बाकी तो खुद के ऊपर है कि आप किसे परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो खुद ही करना है, बट वो रोड मैप भी जरूरी होता है कि आप कैसे उस रोड को कवर करोगे, कैसे आप उस रोड को क्रॉस करोगे, वो भी मैटर करता है, वो अपने ऊपर मैटर करता है, खुद के ऊपर मैटर करता है, खुद के कैपेबिलिटी ऊपर मैटर करता है, बट हाँ आपने जो किया था कि आप प्रॉपर अपने एकदम गाइडलाइन दे दिया था, और कंटेंट तो बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही कंप्रेहेंसिव भी बोल सकते हैं हम, एंड बहुत अच्छा भी है, क्योंकि वो अगर कोई भी कर लेगा तो उसको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंट आएगा ही कि आप क्रैक कर ही लोगे, अगर ऑन कैंपस नहीं हो रहा है तो ऑफ कैंपस तो हो ही जाएगा, मतलब ऑफ कैंपस भी आपको मौका मिल ही जाएगा, तो भी एक बहुत अच्छा, हेल्पफुल होता है। लाइक जो मैंने एआई के नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर किया, वो नॉलेज कैसा था? हाँ हाँ लाइक आपने कुछ कुछ एआई स्पेसिफिक मुझे याद है, तो वो अभी तो मैं बहुत बार डेली में भी यूज कर रहता हूँ, लाइक मार्डलिन चैट जीपीटी आपने सिखाया था, मोनिका चैट जीपीटी आपने सिखाया था, तो वो एक्सटेंशन जो भी वर्जन आपने सिखाया था, तो हम लोग डेली लाइफ में अभी बहुत यूज कर रहे हैं, लाइक मैं तो खुद ही बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर आपको पढ़ना भी है बहुत लेंदी है कोई टॉपिक, तो आप उसके थ्रू पढ़ लोगे तो आपका समराइज करके एक क्रक्स निकल के आ जाएगा, तो बहुत हेल्प होता है। चैट जीपीटी का आपने जो अलग से कोर्स दिया था कि आपको कैसे इसको यूज करना है, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि उससे क्या होता है कि सामने अगर कोई फ्रेश माइंड का है जो किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है, उसको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है, अब बाकी तो
प्रैक्टिस जो जैसा करेगा वैसे वैसे वो सीखता जाएगा। बट एक होता है ना कि आपने पहले उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करा दिया सामने बैठा के कि हाँ देखो ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उसको क्या होता है कि सामने वालों को लगता है कि हाँ चलो एक तो आइडिया मिल जा रहा है, तो आइडिया अगर मिल रहा है तो उसको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट तो आएगा ही। तो वो चैट जीपीटी हो गया। अलग से अगर बोले तो लिंक्डइन का भी अपने ऑप्टिमाइजर का एक अलग से वीडियो डाला था, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर, नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजर की भी अलग से वीडियो डाला था। तो मैंने वो वीडियो से लेके जो भी कंटेंट आपके ऐप में है मैंने वो सब कवर कर लिया था। तो मेरा कोई भी ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ छोड़ा है। जैसे कि खान वेसिस का भी आपने एक अलग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अपने एक दिन सेमिनार कराया था डाला था। कंडक्ट वेबिनर। हाँ तो वो वेबिनर में भी कैसे पोस्चर होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम, तो वो सब बहुत इंटरव्यू में भी हेल्प किया है। एंड जिन लोगों भी नहीं, जिन लोगों को किया भी है उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ देखो ये सब करने की वजह से क्या हुआ है, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि आपको कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वो एक प्रॉपर एकदम गाइड, आप अगर कोई बोले कि पहले कैंपसिंग से लेकर लास्ट डे तक वो आपने किया है सभी के लिए। हम बोले कि ये मेरे लिए नहीं कि मैंने मेरा सिलेक्शन हुआ है कैंपस डे में बोल रहा हूँ, बट आई थिंक सभी के लिए वो एक प्रॉपर अपने जो गाइडेंस है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसे बिहेव करना चाहिए, वो अगर कोई है तो वो तो आपकी सभी को हम लोगों को गाइड किया ऐसा करके। तो बहुत ही सो हेल्प हुआ है, लाइक वो कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। इससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है, या थैंक यू। कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है, लाइक कॉन्फिडेंट अगर, हाँ सो अपने अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोला तो तुमने कॉन्फिडेंस के लिए सिलेक्शन अगर होने के बोले बाद। तो हाँ, उसको तो मैंने पहले ही बोला था, लाइक वो लाइक वही रीजन था कि मुझे वो इन्फॉर्म किया था कि आपके पोस्ट में एनरोल करना है, क्योंकि वही मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ से क्या करना है क्या करना है, तो वो अभी मुझे सजेस्ट अभी किया मैं था। तुम्हें बता दूं, मैं एक प्रॉपर अपनी बुक लिख रहा हूँ स्पेशली फॉर इंटरव्यू टेक्निकल पार्ट। ओके, सो वेरी सून ओके विद इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर वो बुक पब्लिश हो जाएगी ऑफिशियली। ओके ग्रेट ग्रेट, तब तो और भी हेल्प हो जाएगा, मतलब लाइक जो भी न्यू कमर है उन लोगों को और भी हेल्प होगा कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आपको अच्छे से बिहेव करना है, वो तो प्रॉपर वहां पे उस थोड़ा बुक को अगर कोई अच्छे से पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली। सो अभी आप आईटीसी फूड्स में आप सिलेक्ट हो चुके हो, राइट? तो लाइक हाउ आर फीलिंग और फैमिली का एक्सपेक्टेशन और फीलिंग कैसा है, मतलब फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है अभी आप जो सक्सेस जिस चीज के लिए आपने कॉमर्स को चूज किया था एंड नाउ दैट थिंग्स मेक सक्सेसफुल। ओके, सो हाउ वाज देयर रिएक्शन? हाँ तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली पेरेंट्स फैमिली सब लोग बहुत खुश है, क्योंकि उन लोगों को भी अब लग रहा है कि नहीं जो डिसीजन मेरा लिया गया था पहले भी वो पहले मतलब लाइक आफ्टर 12 भी उन लोगों को पता चल गया था कि डिसीजन जो था वो सही था, उसमें कोई गलत नहीं था। बट हाँ अभी जाके उन लोग को और भी अच्छा लग रहा है इसीलिए क्योंकि उन लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कुछ कर ही लेगा अच्छा खासा, लाइक उतना बिलीव करते हैं। और मुझे लगता है कि वो एक मेरे लिए अच्छा भी है क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग मेरे साथ जिंदगी जुड़ा हुआ है, चाहे मेरा फैमिली हो चाहे मेरा पेरेंट्स हो चाहे मेरा फ्रेंड्स हो, जो भी मेरा क्लोज है उन लोग को पता है कि मैं थोड़ा मेरे ऊपर ज्यादा बिलीव करता है, क्योंकि वो लोग को पता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा। वो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है इंसान का, कि अगर सामने वालों को कॉन्फिडेंट है भी नहीं तो वो भी बोलेगा कि नहीं, अगर इतना लोग आपके ऊपर बिलीव कर रहे हैं तो आपको करना ही है। तो वो अलग से अच्छा भी होता है कि सामने वालों को और भी कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है उसकी रीजन की वजह से, तो वो एक बहुत हेल्प है कि हाँ खुद के ऊपर जितना बिलीव ना करो बाहर में अगर कोई ऐसा है कि वो बिलीव कर रहा है तो उससे और भी आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है कि आप अपना 100% 200% देना ट्राई करते हो देने का, वो भी एक रीजन होता है, तो भी एक है। थैंक ओके, सो थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड शेयर योर जर्नी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यू बाय थैंक बाय, यू थैंक टेक केयर। यू थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ऑपर्चुनिटी।